हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आज के ब्लॉग पर। आज का ब्लॉग भी है ध्रुव को लेकर। तो सुबह से लत लगा के रखा था, मामा 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 के घर जाना है, मामा के घर जाना है। तो मैंने सुबह सुबह ही उसको भेज दिया उसके मामा के घर। वो कुछ भी खा के नहीं गया, ये पास में है। तो उस सुबह से वही भी है, अभी तक नहीं आया। सुबह 9 बजे गया, अभी 2-3 बज रहा है शाम दोपहर की। तो वो अभी तक नहीं आया तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पूरा दिन साथ रहता है। कैसे उसके पापा गया है उसके पास अभी उसको लेने के लिए, उसके पापा भी आएगा दोपहर के खाना खाने के लिए। तो उसके पापा ने बोला कि मैं उसको लेके आऊँ या नहीं, या उसका उसका मामा बोल रहा है कि मैं शाम को लेकर जाऊँगी उसको। तो मैंने बोला नहीं, बस बहुत रह लिया, सुबह गया है कुछ भी खा के नहीं गया अभी तक। और अभी भी तो बहुत छोटा है ना, इतना देर तक दूध खाए बगैर नहीं रह सकता वो। लेकिन फिर भी आज मैंने भेजा इसलिए कि कुछ दिनों से वो बहुत परेशान कर रहा है, बहुत रो रहा है। पता नहीं किस वजह से रो रहा है इतना, शायद बारिश की वजह से, क्योंकि बारिश की वजह से वो बाहर घूमने नहीं जा पा रहा है कुछ दिन से, शायद इस वजह से रो रहा होगा। तो मैं भी बहुत परेशान हो गई। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, भेज देती हूँ, थोड़ा मुझे भी रेस्ट मिल जाएगा उसको भेजने से। तो मैंने ये सोच के भेजा, पर अभी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अभी मैं सोच रही हूँ कि कब आएगा, कितनी देर में आएगा, कुछ खाया होगा या नहीं, थोड़ा तो टेंशन होता है। हालांकि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मम्मी है, उसका नाना है, सब लोग हैं वहाँ पे। लेकिन फिर भी मम्मी होना टेंशन तो होता है थोड़ा बहुत। पता नहीं, दूर रहने से बहुत खाली खाली सा महसूस होता है, मतलब समझा नहीं सकती कैसा लगता है कि अगर खुद का बच्चा खुद से दूर रहे तो कैसा महसूस होता है। मैंने फ़ोन किया था उसके पापा को, उसके पापा बोल रहे मैं आ रही हूँ, मैं जब ऑटो से उतरूँगी तो मैं फ़ोन करूँगी, तुम साइकिल लेकर आना। तो मेरे ससुराल से मेरे मायके तक का रास्ता ज़्यादा दूर नहीं है, 10 रुपये लेता है ऑटो में जाने से। और मेन रोड हमारे मतलब घर से बहुत दूर है, तो ताकि ज़्यादा देर नहीं हुआ, 5-6 घंटा सिर्फ हुआ है कि वो उसके नानी के घर गया। लेकिन फिर भी अजीब तो लगता है। चलो कोई बात नहीं, आ तो रहे वो, मैं जाऊँगी अभी उसको लेने के लिए। तो वो लोग आ रहे हैं, मैं जा रही हूँ साइकिल लेकर ध्रुव को लेने। तो मैं निकल गई हूँ ध्रुव को लेने के लिए, वो आ रहा है। अब जाकर थोड़ा दिल को सुकून मिल रहा है कि वो आ रहा है। तो रहा ध्रुव, ध्रुव आ गया है। तो आज का ब्लॉग इतना ही, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए। और आप लोगों का साथ देने के लिए शुक्रिया। तो आज का ब्लॉग इतना ही, उठो बसो। ठीक है, धरो एटा झुरीटा।